got it. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد حي على السلام حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح Bismillahir Rahmanir Rahim.
والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين شکر کے مضمون کا تذکرہ جتنا جماعت احمدیہ میں ہوتا ہے یا شکر کے مضمون کا ادراک جتنا جماعت کو ہے ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں کہ کسی اور کو نہ ہے اور نہ ہو سکتا ہے, کیونکہ حقیقی شکر وہ ہے جو خدا کا ہو, خدا تعالیٰ کی رضا کے حصول کے لیے ہو, خدا تعالیٰ کے دین کی ترقی اور غیروں پر اس کا رو پڑنے پر ہو. بس آج خالص ہو کر اگر کوئی جماعت اسلام کی ترقی کے لیے کوشاں ہے, اسلام کی خوبصورت تعلیم کو دنیا کے ہر کونے اور ہر طبقے میں پھیلانے کی کوشش میں ہر قسم کی منصوبہ بندی کر کے اس کام کو سر انجام دے رہی ہے, وہ بات دنیا کی کسی بھی اور جماعت گروہ یا تنظیم میں نظر نہیں آئے گی. اور پھر اگر کوئی کوشش کر بھی رہا ہے تو کامیابی کا ہزارواں حصہ بھی جماعت کی کوششوں اور کامیابیوں کے مقابل پر نظر نہیں آئے گا. غیر مسلم اگر اسلام کے بارے میں غلط خیالات کو دل سے نکالتے ہیں یا یہ اظہار کرتے ہیں کہ آج ہمارے دل اور دماغ اسلام کے بارے میں غلط تاثرات سے صاف ہو گئے ہیں, تو وہ صرف اور صرف جماعت احمدیہ کی مجالس میں حاضر ہو کر اپنے ذہنوں کو پاک کرتے ہیں. یا صحیح اسلام انہیں جماعت احمدیہ کی مجلسوں سے ہی, پروگراموں سے ہی پتہ لگتا ہے. بس اسلام کی تجدید نو کے جس کام کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شروع فرمایا تھا وہ آج بھی تقریباً 124 سال گزرنے کے بعد بھی جاری ہے, اور نہ صرف جاری ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں اور تائیدات کے نظارے بھی ہم دیکھتے ہیں. چاہے یہ تائیدات کے نظارے افریقہ کے جنگلوں اور شہروں میں ہوں یا صحراؤں میں ہوں یا دور دراز جزائر میں ہوں, عرب دنیا میں ہوں یا ایشیا میں ہوں, امریکہ اور یورپ کے عوام کو اسلام کی خوبصورت تعلیم کا پیغام پہنچا کر ان کو ان کے شبہات دور کرنے سے تعلق رکھتے ہوں, وہاں اللہ تعالیٰ کی تائیدات نظر آتی ہوں, یا یورپ اور امریکہ کے ایوانوں میں اسلام کی خوبصورت تعلیم کا لوہا منوانے سے تعلق رکھتے ہیں. بس اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی یہ بارش ہمیں
किस कदर शुक्रगुजारी के मज़मून को समझने वाला और शुक्र अदा करने वाला बनाती है और बनानी चाहिए। दूसरे इसका अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते। अहमदी हैं जो अल्लाह ताला के इस फरमान को कि लाइन शकर तुम लाजीदन्ना को, कि अगर तुम मेरा शुक्र करोगे तो मैं अपनी दी हुई नेमतों को ज़्यादा करूँगा, को सबसे ज़्यादा समझते हैं। ये काम जो हम कर रहे हैं इसका मकसद अपनी पहचान करवाना नहीं, कोई ज़ाती बड़ाई नहीं या इसका इजहार नहीं, बल्कि उस मिशन को आगे ले जाना है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम लेकर आए थे और आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरत तालीम को दुनिया में के सामने पेश करना, ये हमारा काम है, ताकि ये दुनिया के सामने तालीम पेश करके आपके आखिरी रसूल होने का इदराक दुनिया में पैदा किया जाए और अल्लाह ताला की तौहीद को दुनिया में कायम करवाया जाए। बस जो काम खुदा ताला के लिए हों और ज़ाती बड़ाई और नामो नमूद उनमें ना हो और फिर उसके नेक नतायश पर खुदा ताला की शुक्रगुजारी भी हो, तो यकीनन फिर अल्लाह ताला की ताईद और नुसरत पहले से बढ़कर होती है। बस इस मज़मून को हमें हमेशा अपने सामने रखना चाहिए। गुज़श्ता दिनों मैं यूरोप के सफ़र पर था जहाँ मुख्तलिफ प्रोग्राम थे, जिनमें सबसे पहले तो यूरोपियन पार्लियामेंट के एक प्रोग्राम था जो उनके ऑडिटोरियम में तकरीबन 200 से ज़ायद यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन और मुख्तलिफ ममालिक के मुल्की पार्लियामेंटेरियन, यानी 200 कुल मिला के सारे जो मेहमान थे या दूसरे सियासतदान वकला और पढ़े लिखे तबके पर मुश्तमिल थे सारे, उनके साथ ये वहाँ प्रोग्राम हुआ था। इसी तरह कई न्यूज़ एजेंसियों के नुमाइंदों के सामने भी इस्लाम की खूबसूरत तालीम के हवाले से मुझे कुछ कहने का मौका मिला। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वजह से काफ़ी कवरेज हुई दुनिया में। इस तकरीब को ऑर्गेनाइज़ करवाने के लिए यूके की जमात ने भी अच्छा किरदार अदा किया। गो असली ऑर्गेनाइज़र तो हमारे यूरोपियन पार्लियामेंटेरियन दोस्त ही थे। बहरहाल ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा। यूके की जमात को शायद इसकी फ़िक्र भी थी, इसलिए जमातों में ये लोग दुआ का ऐलान भी करवाते रहे और अहमदियों की दुआओं की कबूलियत को हमेशा की तरह हमने इस प्रोग्राम में देखा भी और महसूस भी किया। मेरे ख़्याल में तो जो बातें मैंने की वो उम्मीद तौर पे हम उनको आम समझते हैं, लेकिन अगर सोचा जाए तो इस्लाम के हवाले से कोई बात भी आम नहीं होती। अल्लाह ताला ने जिस दीन को कामिल किया है उसकी हर बात ही अहम है, इसीलिए शामिलीन पर इन बातों का बड़ा असर भी हुआ, इसका उन्होंने खुलकर इजहार भी किया। इस्लाम से मुतल्लिक शकूक व शुबहात दूर हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह जर्मनी में भी दो बड़े प्रोग्राम थे, उसके बाद मैं जर्मनी चला गया था। एक तो हैम्बर्ग में मस्जिद उन्होंने ठीक किया है, जो नई जगह खरीदी थी, पहले मस्जिद तो बनाई हुई थी, अंदर बिल्डिंग को कन्वर्ट किया था लेकिन मीनारे वगैरह नहीं थे, अब मीनार वगैरह बनाए थे, तो इस तामीर के हवाले से भी एक प्रोग्राम हुआ जो असल में तो ये
मेहमानों को लाने का एक बहाना था। बहरहाल इसमें भी बड़ा अच्छा तबका शामिल हुआ और बड़ा नेक असर इस्लाम की खूबसूरत तालीम का ये सब लोग लेकर गए। इसी तरह वहाँ जामिया अहमदिया जर्मनी की नई इमारत भी बनी है, जिसमें बकायदा ये क्योंकि जामिया की बनाई गई है, बकायदा क्लासरूम बड़े साइज़ के, असेंबली हॉल, हॉस्टल, डाइनिंग वगैरह सारा कुछ है उसमें, किचन वगैरह बड़ा उसी इंतज़ाम है और बड़ी ख़ूबसूरत इमारत बनाई गई है ये। बहरहाल यहाँ भी अच्छे पढ़े लिखे लोग, प्रेस, सियासतदान वगैरह आए हुए थे। यहाँ भी उन लोगों के सामने इस्लाम की तालीम, उन लोगों के सामने तो नहीं बल्कि तलबा को जो नसीहत कर रहा था उसी में वो तालीम आ गई जिसको उन लोगों ने समझा और पसंद किया। फिर दो मसाजिद का वहाँ इफ्तिताह भी हुआ। यहाँ भी लोकल मेयर और पढ़े लिखे लोग आए हुए थे शहर के और मोहब्बत और भाईचारे का इजहार करते रहे। एक जगह हमसायों में से जब मस्जिद हमारी बन रही थी, एक जोड़ा, बल्कि मस्जिद नहीं बन रही थी, पहले शुरू यहाँ से करता हूँ कि इफ्तिताह जब हुआ तो हमसायों में से एक जोड़ा वहाँ आया हुआ था और वो थोड़ी देर के बाद मेरे पास आए और ये कहा कि हम आपको तोहफ़ा देना चाहते हैं। तोहफ़ा दिया और साथ ही कहा कि हम अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हैं और मस्जिद पर मुबारकबाद दी। वहाँ उस फंक्शन में मेयर साहब मौजूद थे, मेरे साथ बैठे हुए थे, कहने लगे कि इस इलाके में जब मस्जिद बन रही थी तो सबसे ज़्यादा मुखालफत करने वाला यही घर था, जो ये कहते थे कि यहाँ मस्जिद बन गई तो फितना व फसाद का गढ़ बन जाएगा क्योंकि मुसलमान ऐसे ही हैं। लेकिन बहरहाल कौंसिल ने भी, बाकी हमसायों ने भी इनके इस फिक्र को रद्द कर दिया और मस्जिद बन गई। इस अरसे में अहमदियों ने भी इनसे रबते किए और इनको सही इस्लाम का, अहमदियत की तालीम के बारे में बताया। इनके रवैयों में तब्दीली आनी शुरू हुई और इफ्तिताह के मौके पर जब मैंने अहमदियों को इनकी ज़िम्मेदारियों की तरफ, मस्जिद बनने के बाद क्या ज़िम्मेदारियां हैं अहमदी की, तवज्जो दिलाई और इस्लाम की खूबसूरत तालीम बयान की, तो इनको इनमें एक और मज़ीद तब्दीली पैदा हुई। बड़े अदब और एहतराम था इन लोगों में, जो मुखालिफ थे उनके दिल पिघलते देखें। तो बहरहाल हम इन मुख्तलिफ मौके पर जो फंक्शन हुए, गैरों के जो तासरात हैं वो मैं पेश करना चाहता हूँ। बाज़ ने मेरे मुतलिक भी इजहार किया है, कोशिश में यही की है कि जहाँ तक मैं निकाल सकता हूँ अपनी बातों को तो निकाल दूँ, लेकिन बाद जगह ज़िक्र आ भी जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि जो बातें मैंने की वो इस्लाम का पैगाम है, अगर असर है तो इस्लाम के पैगाम का है, ना कि मेरी ज़ात का। बहरहाल हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की नुमाइंदगी में जो बात मैं कहूँगा उसका असर होगा, क्योंकि अल्लाह ताला का वादा है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से। पहला एक तबसरा है, वहाँ बिशप एक आए हुए थे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आ गए और सवाल भी कर दिया उन्होंने, डॉक्टर एमन हॉवर्ड जनेवा स्विट्जरलैंड से आए थे, इंटरफेथ इंटरनेशनल के नुमाइंदे हैं, रफाई तंजीम फीड फैमिली के बानी सदर भी हैं। ये इनको दावतनामा दिया गया था और एक दिन पहले ये बर्फ़ पे फिसल गए थे और इनकी आंख भी सूज गई थी, चोट काफ़ी लगी थी।
लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि इस फंक्शन में ज़रूर शामिल होना है और ब्रसल का सफ़र किया, अख्तियार किया उन्होंने। वो लिखते हैं कि ये जो तकरीर हुई, जो अल्फाज थे, उनका जादू का सा असर था। फिर लिखते हैं मुझे मेरे बारे में कि लहजा धीमा था, लेकिन मुंह से निकलने वाले अल्फाज अपने अंदर गैर मामूली ताकत और शौकत रखते हैं। इस तरह का जरूरतमंदाना इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। बहरहाल ये वो अल्फाज थे जो इस्लाम की खूबियाँ सुन रहे थे। वो फिर स्विट्ज़रलैंड से आए हुए जापानी बुद्धिज़्म के नुमाइंदे जॉर्ज कोहो मेलो, जो राहब भी हैं, वो कहते हैं अपने साथियों को जो उनको लेकर आए थे कि आपने इस अहम लेक्चर में शामिल होने के लिए मुझे दावत दी और इसमें शामिल होना और खलीफा से मिलना मेरे लिए एक बहुत बड़ी इसादत है और मेरे कीमती लम्हात हैं जिनको मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। यहाँ मुझे दूसरे ममालिक के अहले इलम लोगों से मिलने का भी मौका मिला जिसके लिए मैं मशकूर हूँ। ऑनरेबल फवाद हैदर, मेंबर बेल्जियम नेशनल पार्लियामेंट, ने बरमला इस बात का इजहार किया, ये पुराने वाकफी हैं हमारे, बल्कि एक रात पहले इनको मैं मिले थे मुझे, तो मैं इनको कहा था कि अब काफ़ी पुरानी वाकफियत हो चुकी है, अब आपको बैत कर लेनी चाहिए। तो बहरहाल ये मुसलमान हैं, मोरक्को वगैरह से कहीं से ताल्लुक़ है इनका, काफ़ी अरसे से वहाँ रह रहे हैं या शायद इनके वालदैन यहाँ आए थे, और इस वक्त ये अच्छे सियासतदान, मजे हुए सियासतदान भी हैं और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं। कहते हैं कि मेरा जो ख़िताब था कि ये ख़िताब पार्लियामेंट में सिर्फ मेरे लिए ही नहीं था बल्कि तमाम मुसलमानों के लिए फ़ख्र की बात है, क्योंकि खलीफा ने हमारे सर बुलंद कर दिए। इससे पहले हम जो इस्लाम की बात हमारे सामने करता था, हम सर झुका लिया करते थे क्योंकि सही तालीम नहीं थी। आज हमें इस्लाम की सही तालीम का पता लगा। फिर वजारत दाखिला बेल्जियम के नुमाइंदे जोनाथन देबीर ने कहा कि खलीफा के ख़िताब ने हम सबको हिला कर रख दिया है, हमने इससे बहुत कुछ सीखा है, ये ख़िताब हम सब के लिए इंस्पायरिंग है। फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिस्टर मास कहते हैं कि खलीफा ने दुनिया के लिए जो अमन का पैगाम दिया है और हमारी रहनुमाई की है, इसके लिए उनके हम बेहद शुक्रगुजार हैं। फिर एक और मेंबर पार्लियामेंट मिस्टर गॉडफ्रे ब्लूम ने कहा कि खलीफा के ख़िताब ने हमें रोशनी अता की है, मैं अपने सब साथियों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। फिर नॉर्वे से एक मेंबर पार्लियामेंट और क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी के सूबाई सेक्रेटरी भी आए हुए थे, उन्होंने भी इसी बातों का इजहार किया। फिर हुकूमत फ्रांस की जानिब से वजारत दाखिला और वजारत खारजा के नुमाइंदे मिस्टर एरिक भी शामिल हुए, उन्होंने ख़िताब के तमाम अहम पॉइंट्स नोट किए और कहा कि ख़िताब में फ़्रांस के लिए बहुत रहनुमाई है, मैं वापस जाकर अपनी मिनिस्ट्री में रिपोर्ट करूँगा। फ़्रांस ऐसा मुल्क है यूरोप में जहाँ सबसे ज़्यादा मुसलमानों के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठती रहती हैं, और ये सही तालीम जब उनके सामने पेश की गई तो बहरहाल वो मुतासर हुए। फिर रोसियो लोपेज साहिबा, जो कि स्पेन की पार्लियामेंट की मेंबर हैं, स्पेन से इस तकरीब में शिरकत के लिए आई थी और तोलेदो से सूबे की हैं, तो लेतला कहती हैं कि इस तकरीब ने दोस्ती और भाईचारे के असरात छोड़े हैं। ब्रसल्स के इस प्रोग्राम ने एक मुतहर्रक जमात का इल्म दिया जो मुसलसल तमीरी कामों में मसरूफ़ है। मिर्ज़ा मसरूर अहमद की क़ियादत में मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं जैसे मोटो के तहत मुख्तलिफ कौमों से ताल्लुक़ रखने वाले अहमदी बहम मिलजुल गए। दुनिया जो अपने नशे में धुत चली जा रही है और जहाँ अमन और मोहब्बत का पैगाम
इंतहाई अहम है। ऐसी दुनिया में आप लोगों के बारे में जानना एक एज़ाज़ की बात है। तो कहती हैं, मैं आपके तसव्वुरात की कामिल तायद करती हूँ। आलमी इंसानी हकूक़ की बहाली और दुनिया में अमन के क़याम की तमाम बातों से इत्तेफाक़ करती हूँ। मैं हमेशा मज़हब की बुनियाद पर मज़ालम की मज़म्मत करती रहूँगी। फिर स्पेन से ही जोस मारिया अलोंसो मैड्रिड में पॉपुलर पार्टी की नुमाइंदा रुकन असम्बली हैं। इनका ताल्लुक कैंटाब्रिया स्पेन से है। कहती हैं, बाकी तमाम अहमदियों से मिलकर भी पहले तो मेरा मुझे मिलने के बाद तसरात का इजहार किया है। फिर कहती हैं कि बाकी तमाम अहमदियों से मिलकर भी मेरे वही जज्बात हैं जो कि खलीफा से मिलकर थे। ये तमाम जमात बहुत मेहमान नवाज और पुरामन है और खलीफा के मुताबिक मज़ाहब का मकसद बनी नौ इंसान के माबैन मसाइब बढ़ाना नहीं बल्कि मोहब्बत बढ़ाना है। सेंटियागो कटाला साहिबा जो कि क्वेंसा या क्वेंका यूनिवर्सिटी में लॉ प्रोफेसर हैं, बहुत सी साहिब हैं, साहिबा नहीं, बहुत सी किताबें लिख चुके हैं जिनमें इस्लाम इन वैलेंशिया और इस्लामिक जूरिसप्रूडेंस वगैरह शामिल हैं। ये कहते हैं कि मेरे अल्फाज खलीफा तक पहुँचाएँ और उन लोगों तक, वो इमाम भी जिनसे इशाइया पर मुलाकात हुई और वो स्पेनिश अहबाब भी जो हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने मेरी तरफ से शुक्रिया के जज्बात पहुँचाए। मैं आप सब से मिलकर खुदा का शुक्र अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ खुदा हमें मज़ीद मिलने के मौके फराहम करेगा। फिर कहते हैं, खुदा आप पर बहुत मेहरबान है और मैं भी खुदा के नाम पर आपके लिए भलाई चाहता हूँ और दुआ गो हूँ कि आपको खुदा दौलत और अमन अता करे। कहते हैं, मैं मज़हबी शख्स हूँ और बाज रूहानी तजुर्बात रखता हूँ। एक अरसे से मैंने ऐसा मज़हबी माहौल नहीं देखा था। हम जानते हैं कि रूहानी शख्स वो होता है जो सीधी राह पर हो, वो खुदा के साथ हो और खुदा उसके साथ हो। फिर स्पेन से एक वकील औरत थी, वो शामिल हुई। जब वापस जाकर जो पैगाम भेजा ये है कि स्पेन से आने वाले एक अहमदी दोस्त कंवर साहब ने कहा था, उनके साथ आई थी, कि ये दिन बेमिसाल होंगे और यकीनन वो गलत ना थे। मुझे उम्मीद है कि खुदा ने चाहा तो इन दिनों में जो आपकी जमात ने काम किए हैं वो ज़रूर रंग लाएंगे। अब स्पेन भी ऐसा मुल्क है जहाँ एक ज़माने में तो इस्लाम था और अब इतनी शदीद दुश्मनी है, नफ़रत है इस्लाम के लिए, किसी को इंतहा नहीं, बाज़ इलाकों में तो बहुत हद से बड़ी हुई है। फिर माल्टा से मुकर्रम मुल्क माल्टा का नाम है, प्रोफेसर आर्नल्ड कसोला साहब भी तकरीब में शामिल हुए। यूनिवर्सिटी ऑफ माल्टा में बतौर प्रोफेसर काम कर रहे हैं, माल्टी लिटरेचर पढ़ाते हैं, 30 से ज़ायद किताबों की तसनीफ के मुसन्निफ हैं ये। माल्टा की तीसरी सियासी जमात माल्टा ग्रीन पार्टी के को फाउंडर हैं, कई साल तक ग्रीन पार्टी के सरबराह रहे। इनको इटालियन पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहने का भी इजाज़ हासिल है। इनको अपना तबसरा करते हुए लिखते हैं कि कॉन्फ्रेंस का इंतज़ाम नहायत आला था, कहीं किसी किस्म की कमी नज़र नहीं आई। जमात अहमदिया का आलमी भाईचारे का तसव्वुर और मोटो मोहब्बत सबके लिए, नफरत किसी से नहीं, एक नहायत अहमियत का हामिल तसव्वुर है जो तमाम इंसानियत को इकट्ठा कर देता है और हर किस्म के नस्ली और मज़हबी तफरीक को अलग करके इंसान को यकजा करने की ज़मानत देता है। खलीफा की तकरीर आलमी अमन के क़याम की जदोजहद की वाज़ अक्कासी है। दर हकीकत जमात अहमदिया दुनिया के तमाम लोगों के लिए जो अमन और रवादारी की तलाश में हैं मुज़ाकरात का एक अहम प्लेटफॉर्म मुहैया कर रही है। यहाँ तक कि सियासी सतह पर भी वो इस मामले को खूब अच्छी तरह से पेश कर रही है। फिर दूसरे मेहमान जो माल्टा से आए हुए थे, इवान बर्तोलो साहब, इनका ताल्लुक मीडिया से है, दो प्रोग्रामों के प्रोड्यूसर भी हैं वो टीवी के। इनको तारुफ जमात से इस तरह हुआ था कि जो लीफलेट स्कीम शुरू की गई है, जब वहाँ लीफलेट तकसीम किए गए, जब इनको मिला तो उससे बड़े मुतासर हुए
और उन्होंने ख़ुद जमात से रबता किया और फिर ये ताल्लुकात बढ़ते गए। वो कहते हैं कि मुझे कहते हैं कि उन कि आप अमन के क़याम के लिए आपकी ग्रां के अंदर खिदमात के बड़े अच्छा नहीं इनको ही लिख रहे हैं कि ग्रां के अंदर खिदमात हैं जिसका मैं बड़ा मद्दा हूँ। और फिर कहते हैं मेरे बारे में कि जो कुछ उनके मुतालिक पढ़ा था इससे कहीं ज़्यादा उनको पाया। आपका पैगाम दायमी है, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपका पैगाम सही लोगों तक पहुँचा है। आपकी कोशिशों अमन और आलमी भाईचारे के लिए आपके मिशन और जद्दोजहद से बहुत मुतासर हुआ हूँ। और फिर इन्होंने लिखा अपने वाक्य सुनाया है अपने एक साथी का जो वहीं बेल्जियम में ब्रसल में उनको मिली थी। जब उसको बताया कि मैं इसलिए आया हूँ कि यहाँ एक प्रोग्राम है, तो उसने कहा कि यूरोपियन पार्लियामेंट के वन प्रोग्राम इतने ऑर्गेनाइज नहीं होते। तो उन्होंने कहा नहीं, ये जमात अहमदिया का प्रोग्राम है। उस पर वो औरत कहने लगी, हाँ उनको मैं जानती हूँ, उनके प्रोग्राम हमेशा बड़े ऑर्गेनाइज होते हैं। फिर मिस्टर क्रिश्चियन मेरे जो चर्च ऑफ साइंटोलॉजी यूरोप की मेंबर हैं के मेंबर हैं, अपने ख्याल में कहा कि एक बहुत अहम मीटिंग थी, खलीफा ने अपने खिताब में हम सबको ये पैगाम दिया है कि हम सब मिलकर अमन के लिए काम करें और आपस की नफ़रतों को दूर करें। उनका पैगाम हिकमत से पुर था और अब आलम इंसानियत के बेहतर मुस्तकबिल की ज़मानत इसी पैगाम पर अमल करने में है। फिर फ्रांस के एक इलाके मोंटली जोली की नायब मेयर भी इस प्रोग्राम में शामिल हुई, कहने लगी कि ये ख़िताब मुझे बहुत पसंद आया। उन्होंने एक बड़ा अजीम ख़िताब किया और सारी बातें साफ साफ बयान कर दी हैं। एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फ्रांस के मिस्टर मार्को तायानी भी तकरीब में शामिल हुए, कहते हैं कि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि खलीफा की सरबराही में यूरोपियन पार्लियामेंट में होने वाले इजलास में शामिल होने का मौका मिला। मेरे लिए बहुत इज्जत और बरकत का बायस था कि मैं एक हकीकी अमन वाले इंसानी हकूक़ के लीडर और मजहबी आज़ादी के एक हकीकी अलमबरदार की मौजूदगी में वहाँ मौजूद था। मेरे लिए एक फ़ख्र की बात है कि मैं एक ऐसे शख्स से मिला जो अमन और बाहमी ताल्लुकात का एक अजीम लीडर है। मोहब्बत सब के लिए, नफरत किसी से नहीं का नारा सब से ताकतवर और अमन की ज़मानत देने वाला है। इस नारे ने मुझे बहुत मुतासर किया। तमाम शामिल होने वालों को बहुत इज्जत मिली। लोग इतनी तादाद में थे कि बाहर भी खड़े थे। फिर नूनस्पीट के साबिक मेयर के तासरात ये हैं कि पहले तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया है बुलाने पर, फिर ये कि मैं बहुत मुतासर हुई हुआ इस प्रोग्राम से। ये दोनों के तासरात मियाँ बीवी दोनों आए हुए थे। इस किस्म की तकरीब मुनक़द करना आजकल दुनिया में होने वाले जुल्म और शिद्दत पसंदी का बेहतरीन जवाब था। फिर कहते हैं कि ये मौजू यूरोपियन पार्लियामेंट के सियासी एजेंडे का भी हिस्सा है, यानी अमन, और उम्मीद है कि इस पहलू को आइंदा भी तवज्जो मिलती रहेगी। बहरहाल इस तकरीब की वजह से इस तकरीब में शामिलीन सामईन और कारीन का हौसला बुलंद हुआ। मिस्टर चार्ल्स टैनक एमईपी ने कहा कि अहमदिया मुस्लिम कम्युनिटी आलमी सतह पर अमन का पैगाम फैला रही है और शिद्दत पसंदी के ख़िलाफ़ लड़ रही है। यहाँ आने से कबल एक कामयाब प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी इनेकाद किया गया था। उस फंक्शन से कुछ देर पहले, आधा घंटा पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी थी। वहाँ पर जिस अंदाज से सवाल जवाब हुए उससे मैं ज़ाती तौर पर बहुत मुतासर हुआ हूँ। मुसलमानों के रहनुमा से इस किस्म के पैगाम की दुनिया को ज़रूरत है। ये अमन का पैगाम दरअसल हमारे अपने दिलों की आवाज़ है जिनका ताल्लुक इस्लाम से नहीं बल्कि दीगर मज़ाहब से भी है। उन्होंने कहा कि अहमदिया मुस्लिम जमात रोज़ बरोज़ तरक्की की मंजिलें तय कर रही है। फिर कहते हैं कि इनकी हर बरआज़म में शाखें हैं। इस अहमदिया कम्युनिटी की तालीमात को बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इस कम्युनिटी के बुनियादी पैगाम को यूरोप में फैलाएँ
جو کہ محبت سب کے لیے نفرت کے حصے نہیں پر مشتمل ہے. یہ امن کا پیغام ہے اور یہ امن صرف مسلمانوں کے بیچ نہیں بلکہ دنیا میں موجود تمام مذاہب کے درمیان امن کا پیغام ہے. پھر کہتے ہیں کہ آج کل جماعت احمدیہ دنیا کے لیے امن اور برداشت کی ایک اعلیٰ مثال ہے، جبکہ دوسری مذہبی انتہا پسندی اور شدت پسندی امن اور انسانی حقوق دونوں کے لیے خطرہ بن چکی ہے. یہ مذہبی انتہا پسندی پھر عالمی سطح پر ہونے والی دہشت گردی کے ساتھ جڑ جاتی ہے. پھر کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو خود اس انتہا پسندی کا جواب دینے کی ضرورت ہے. جیسا کہ جماعت احمدیہ اس وقت اس انتہا پسندی کا جواب دے رہی ہے. پھر انہوں نے خطاب پہ تبصرہ کرتے ہوئے کہا، ریسٹ جو تھا، کہ آپ کے متاثر کن اور وسیع المعنی خطاب پر بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے اپنے خطاب میں مختلف پہلوؤں کا ذکر کیا. آپ نے امن اور برداشت کے متعلق اسلام کی حقیقی تعلیمات سے آگاہ کیا. یہ بھی ذکر کیا کہ ترقی یافتہ ممالک کو غریب اقوام اور پسماندہ ممالک کی مدد کرنی چاہیے. نیز ان ذمہ داریوں کا بھی ذکر کیا جو کہ مغرب اور بالخصوص یورپی یونین کے ممالک پر عائد ہوتی ہیں اور جو کہ انہیں فکر کے ساتھ اور ہمدردی کے ساتھ ادا کرنی چاہیے. اور مجھے اس بات پر بھی حیرانی ہے کہ آپ نے نڈر ہو کر اور جرز مندانہ طور پر امیگریشن کے حوالے سے پیش آنے والے مسائل کا اپنے خطاب میں ذکر کیا ہے. بطور ایک سیاستدان ہونے کے میں جانتا ہوں کہ یہ ہمارے ملک کا اہم مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگی رکھنا، ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا کرنا آج کا اہم ترین پیغام تھا جس کو ساتھ لے کر ہمیں یہاں سے رخصت ہونا چاہیے. اسٹونیا سے تعلق رکھنے والے ممبر آف یورپین پارلیمنٹ مسٹر ٹونک کے نام اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں کہ آپ کی جماعت شدت پسندی اور ظلم کو اکثر رد کرتی ہے جو کہ آج کل کی دنیا میں دن بدن پھیل رہی ہے. مختلف مذاہب اور عقائد کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ کا نمونہ نہ صرف نظریاتی اعتبار سے بلکہ عملی طور پر بھی بہت اہم ہے. انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس اچھا موقع ہے کہ ہم اس پیغام کو پھیلانے پر زور دیں. مجھے خوشی ہے کہ یورپین پارلیمنٹیرینز بھی اس پیغام کا حصہ بن رہے ہیں. پھر کلاؤڈ موریاس ایم ای پی نے کہا، ممبر یورپین پارلیمنٹ، کہ بالعموم یورپین پارلیمنٹ کی ہونے والی میٹنگز میں حاضرین کی اتنی تعداد نہیں ہوتی جتنی آج یہاں پر نظر آ رہی ہے. انہوں نے کہا کہ آج کل دنیا کے حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ ہمیں احمدیہ جماعت کے امن اور آشتی کے نظریات کو اپنانے کی ضرورت ہے. ایک دوسرے کے لیے برداشت پیدا کرنے اور ایک دوسرے کی عزت کرنے کی شدید ضرورت ہے. یہ نظریات صرف کتابی باتیں نہیں ہیں بلکہ آج کل کے دور میں ان پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ میرے بارے میں کہ ان کا یہاں آنا اس بات کی علامت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے متعلق جاننا چاہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ احمدیہ جماعت کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کے امن اور ایک دوسرے کے لیے برداشت کے متعلق نظریات اور پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ مذہب و ملت کی تفریق کے بغیر انسانیت کی خدمت کرنا بھی اس جماعت کا خاصہ ہے. ان سب باتوں کو مزید سمجھنے کی ضرورت ہے. وہاں جو مختلف پریس آئے والے آئے ہوئے تھے، اس میں بی بی سی نیوز، فیتھ میٹرز، اسپینش میڈیا، ایکوی یوروپا، پھر تیسرے مالٹا کا فیوریٹ چینل تھا جی او ٹی وی، اور ڈیلی جنگ کے تھے نمائندے، پیرس کے لیے میگزین کے نمائندے تھے، المنار ریڈیو بیلجیم تھا، ترکش میڈیا اب ہبر تھا، فرینچ اکیڈیمک ریسرچر، اونر آف جسٹس فرسٹ آف دا ورلڈ، پوکر نیوز یو کے، پکار،
अच्छा, इसी तरह एसोसिएटेड प्रेस पाकिस्तान और इसके अलावा यूरोपियन पार्लियामेंट के ऑफिशियल फोटोग्राफर, बेल्जियम के टीवी और रेडियो के नुमाइंदगान और बाज़ दीगर ममालिक से तल्लुक़ रखने वाले मीडिया के नुमाइंदे भी वहाँ मौजूद थे। सीएनएन ने भी एक हिस्से का दे के हवाला अपनी वेबसाइट पे, उसके बाद उसको वहाँ नीचे लिखा था, ऊपर के ऊपर लिखा था कोर्ट ऑफ द डे, उसको पसंद आया था हवाला जिसमें एक होने का जिक्र था। जर्मनी के नेशनल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अपना तसरात बयान करते हुए कहते हैं कि खिताब इंतहाई मुतासर कुन था, इसने हम पर गहरा असर किया है। और फिर कहते हैं, ये मेरा ख्याल है हैमबर्ग में कहा था इन्होंने, लेकिन बहरहाल ये कहते हैं कि जिस तरह मेरा मुतालिक कहते हैं कि जिस तरह उन्होंने ब्रिटिश पार्लियामेंट और अमेरिका कैपिटल हिल में खिताब किए हैं, इसी तरह अब मैंने कोशिश करनी है कि खलीफा का बर्लिन में जर्मन पार्लियामेंट से ही खिताब हो। हेकन टेमरल मेंबर सूबाई असम्बली हैमबर्ग ने कहा, उस जो मैंने वहाँ उस दिन बताया था उनको बातें, कि जो हमारी रहनुमाई की है आज, इस रहनुमाई की पूरी इस्लामी दुनिया को ज़रूरत है। फिर हैमबर्ग की में ही अब जिक्र चल रहा है यूरोपियन पार्लियामेंट से आगे, हैमबर्ग का फंक्शन अगले दिन ही था, वो मंगल को यूरोपियन पार्लियामेंट में था, बुध को हैमबर्ग में। इंटीग्रेशन ऑफिसर अपने कहते हैं, इजहार करते हुए अब इस किसी अहमदी दोस्त को, कि आपके खलीफा ने इस्लाम की तालीम को इंतहाई उमदा और ख़ूबसूरत अंदाज में पेश किया है, जिससे बाज़ गलत फहमियों का इजाला किया हो गया है। मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होकर बहुत खुशी हुई है और इस्लाम की असल तालीम का पता चला है। अब हम जमात के नुमाइंदगान को अपने प्रोग्रामों में बुलाएंगे ताकि आप लोग वहाँ आकर इस्लाम की तालीम पेश करें। हैमबर्ग के इलाका हार्बर की कौंसिल के नुमाइंदे ने कहा कि वो जिस तरह वो अल्फाज की अदायगी कर रहे थे जो दिलों में उतर रहे थे, ऐसा तो हमारे मज़हब का कोई भी नुमाइंदा नहीं कर सकता। फिर कहा, खलीफा ने जिस तरह ख़ास तौर पर इस्लाम का तसव्वुर पेश किया है, इस्लाम की हसीन तालीम पेश की है कि जिस मुल्क में रहते हुए उसे मोहब्बत करनी चाहिए, ये मेरे लिए इस्लाम की एक नई तस्वीर है। एक खातून ने कहा, ये तो ज़ाती तसव्वुर है मेरे बारे में। फिर इंटीग्रेशन के हुकूमती इदारे से ताल्लुक़ रखने वाले दो ऑफिसर खातून आई थी, उन्होंने कहा कि हमारे सारे डर और खौफ दूर हो गए, खलीफा ने अपनी तकरीर के अंदर हमारे सारे खौफ दूर कर दिए। मुसलमानों को ऐसे ही ख्यालात रखने चाहिए, इस्लाम की तालीम तो बहुत पुरअमन है, जो खौफ सोसाइटी में हमें नज़र आ रहा था वो दूर हो गया है। हैमबर्ग के एक इलाके में हुकूमती वफाकी दफातर के हेड अपनी अहलिया के साथ आए हुए थे, वो कहते हैं कि हमने तो ऐसा महसूस किया जिस तरह शहद की मक्खियाँ होती हैं और इनकी एक मलका होती है, सारी मक्खियाँ अपनी मलका के गिर्द घूमती हैं और इसके लिए अपनी जान देती हैं, इसी तरह आपकी सारी जमात अपने खलीफा के गिर्द काम करती है और खलीफा पर अपनी जान देती है और कामिल इताअत करती है। तो ये नज़ारे भी गैरों को नज़र आते हैं। और इसी तरह लिखा कि आपके खलीफा की भी सूरत हाल शहद की मलका की तरह है, जमात किस तरह अपने खलीफा का एहतराम करती है। उन्होंने तरफ से जिक्र किया, वहाँ कुछ प्रेस के लोग भी आए हुए थे जिनका पहले खिताब से पहले कोई प्रोग्राम तो नहीं था, सिर्फ अमीर साहब का इंटरव्यू लेना था उन्होंने जर्मनी के, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मेरा कहा कि उनसे भी हमने इंटरव्यू लेना है, सवाल जवाब करने हैं। जब मुझे इन्होंने कहा तो मैंने कहा ठीक है, बाद में कर लें फंक्शन के। उस फंक्शन के बाद जब मैंने कहा कहाँ है बुलाओ उनको, तो कहते हुए हम उन्होंने अब ये कहा है कि अब जो कुछ हमने सवाल करने थे, जो शुबहात और तहफ़ुज़ात हमारे जहन में थे, वो तो इस एड्रेस से दूर हो गए हैं, इसलिए मज़ीद ज़रूरत नहीं है अब इसकी। तो इस्लाम के बारे में जो खूबसूरत तालीम पता जब लगती है इनको, तो फिर इनके आंखें खुलती हैं कि क्या चीज़ है इस्लाम। इस्लामिक कम्युनिटी बोर्ड की एक खातून मेंबर भी आई हुई थी, ये मेरा ख्याल गालिबन अरब हैं, ये यूनिवर्सिटी में इस्लामिक इस्लाम रिसर्च पर काम करती हैं,
جماعت کے بارے میں پہلے کافی مخالف تھیں اور احمدیوں کے خلاف باتیں بھی کرتی تھیں، کیونکہ کچھ عرصے سے ان کا رویہ تبدیل ہو گیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے ایک مصری پروفیسر بھی ہیں وہاں یونیورسٹی میں، وہ کافی جماعت سے قریب ہیں، ان کی وجہ سے بھی تبدیل ہوا ہو۔ بہرحال کہنے لگیں کہ ہمارے سارے خدشات دور ہو گئے ہیں، آپ کے خلیفہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، بہت بڑے لیڈر ہیں، ذہین انسان ہیں۔ کہنے لگی کہ میں نے خلیفہ کو چلتے ہوئے دیکھا، بولتے ہوئے دیکھا، نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ میں سوچا کرتی تھی کہ مسلمانوں کا کوئی ایسا لیڈر ہو، آج میں نے وہ لیڈر اپنی زندگی میں دیکھ لیا ہے۔ بس یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی خلافت کی برکت، یعنی ان سب خیالات کے باوجود جو کچھ دیکھا انہوں نے، وہیں سوئی ان کی وہیں اڑی رہے گی، قبول نہیں کریں گے۔ ہیمبرگ شہر کے پریزیڈنٹ آف پولیس اس پروگرام میں شامل ہوئے، وہ صوبے کا ہی پورا انچارج ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ جو خطاب میں اسلام کی امن کی تعلیم بیان کی ہے، اگر اس پر عمل ہم سب عمل کرنے والے ہوں تو پھر ہم پولیس والوں کی ضرورت ہی نہ رہے۔ اس ہیمبرگ کے جو پروگرام تھا، اس کو بھی بڑی وسیع کوریج ملی ہے۔ ہیمبرگ ایبن بلاٹ اخبار ہے جس کو پڑھنے والے 557,000 ہیں، اس نے اس خبر کو دیا۔ پھر ایک اور اخبار بیلٹ ہے جس کو پڑھنے والے 731,000 افراد ہیں۔ پھر اخبار ہے جس کی 100,000 سرکولیشن ہے، ویلٹ کمپیکٹ۔ پھر اخبار این ڈی آر ایکچوئل جس کو 400,000 اس کی سرکولیشن ہے، لوگ پڑھتے ہیں۔ اور اسی طرح مختلف اخباروں نے اپنے اظہار کیا وہاں مسجد پہ، ہیمبرگ کی مسجد کے اس رینوویشن کے افتتاح کا اور اس ایڈریس کا۔ صوبہ حسن کے جو پارلیمنٹ ہے، اس کے اپوزیشن لیڈر نے بھی وہاں بلایا تھا پارلیمنٹ میں ملاقات کے لیے، تو وہ کہنے لگا کہ ہم اسلامی دنیا میں جو تبدیلیاں ہو رہی ہیں، خاص طور پر عرب ممالک میں، اس کو آپ نے کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آج کل ہمارے یہاں اس کی بڑی بحث چل رہی ہے، تو انہیں لوگوں سے مدد بھی وہاں جاتی ہے اور یہی لوگ وہاں ذمہ دار بھی ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو میں نے ان کو یہ کہا کہ جو عرب دنیا کی صورت حال ہے، یہ کوئی راتوں رات پیدا نہیں ہو گئی۔ عرب دنیا کی یہی لیڈرشپ تھی جو آج سے 10-20 سال پہلے بھی تھی، انہی خیالات کی حامل تھی۔ اس وقت بڑی طاقتوں نے اس طرح توجہ نہیں دی، کیونکہ اپنے ترجیحات اور مفادات تھے، اور نہ ہی وہاں کے لوکل عوام کی توجہ پیدا ہوئی، کیونکہ ان کو بھی بھڑکانے والے باہر کے لوگ ہیں۔ یہی لیڈرشپ تھی جو پہلے بھی کرپٹ تھی یا اپنے عوام کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہی تھی، لیکن مغربی طاقتوں نے یا ان ایجنسیز نے جو ان ملکوں کو ایڈ دیتی تھیں، ان کے ساتھ رابطہ رکھا۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ جب تک بڑی طاقتوں نے لیڈرشپ کو اپنے زیر اثر رکھا، لیڈرشپ نے ان کی بات مانی، اس وقت تو وہاں کوئی ایسی فساد نہیں تھا، کوئی فکر نہیں تھی۔ لیکن جب وہ لیڈرشپ ان کے قابل نہیں رہی، تو انہوں نے وہاں ایک انقلاب لانے کی کوشش کی۔ تو مغربی حکومتیں اگر چاہتی ہیں، جو میں نے ان کو کہا کہ اگر مغربی حکومتیں چاہتی ہیں کہ ان ممالک میں امن ہو، تو پھر وہاں خالص جمہوریت بھی لے کے آئیں، کیونکہ آپ لوگ جمہوریت کے ہی زیادہ شور میں چاہتے ہیں نا کہ جمہوریت ہونی چاہیے، نہ یہ کہ کسی خاص شخص کو پسند کر کے ایک لمبا عرصہ اس کی سپورٹ کرتے رہیں، اور پھر جب وہ ہاتھ سے بڑھ جائے، ڈکٹیٹر بن جائے، تو پھر اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تو یہ ڈکٹیٹر بنانے والے بھی آپ لوگ ہی ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ ترقی کے جس معیار تک وہ ملک پہنچ چکا ہوتا ہے، پھر اس کو جب پسند نہیں رہتا، تو پھر اس کو اتنا برا حال کرتے ہیں کہ بالکل مفلوج ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس لیے اب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ جن ملکوں میں فساد ہیں، وہاں حقیقی طور پر ان کی مدد بھی کی جائے،
और जमहूरियत अगर आपने कायम करनी है तो करें। फिर और भी बातें होती रहीं, बहरहाल एक उनको ये कहने का मौका मिला। जामिया अहमदिया का अफ्ताह भी वहाँ हुआ, वर्नर आमंड रेड स्टेट के अमीर हैं, जहाँ जिस इलाके में जामिया, जिस शहर में, वो कहते हैं कि खलीफा ने जो तकरीर की वो कोई लिखी हुई तकरीर न थी बल्कि उनके दिली ख्यालात थे। उनका तलबा को ये कहना कि वो तालीम पर ख़ुद भी अमल करें और लोगों के सामने अमली नमूना रखें बहुत ज़रूरी और मस्बत बात है। एक मजहबी तंजीम के सरबराह होने के बावजूद बहुत प्रैक्टिकल इंसान है। ये बावजूद से पता नहीं क्या मुराद है उनकी, उनके ख्याल में शायद मजहबी रहनुमा प्रैक्टिकल नहीं होते या अमली तौर पर कहते कुछ हैं करते कुछ हैं। बहरहाल वुल्फ वाल्थर साहब जर्मन इस्लाम कॉन्फ्रेंस के सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि खलीफा की हदायत, वो भी वहाँ आए हुए थे जामिया गफ्ता पे, कि खलीफा की हदायत बहुत अहम और ज़रूरी थी। उनकी तलबा को एक हदायत पर तबसरा करते हुए कहा कि चूँकि तलबा अमूमी आबादी से मुख्तलिफ नज़र आने वाले और अलग लिबास में होंगे, इसलिए इस बहुत ज़रूरी है कि वो दोस्ताना रवैया रखें और खुले दिल से मिलने वाले हों। इससे खौफ कम करने और तसुबात से बचने का मौका मिलता है। एक दूसरे के साथ बोलने और मालूमात के तबादले से ही ऐसा मुमकिन है, इसलिए खलीफा की इस बारे में हदायत बहुत अहम है। एक जर्नलिस्ट हानक का कहना था कि मेरे ख्याल में तकरीर बहुत बावकार थी और दोस्ताना माहौल में हुई। आपके आलमी सरबराह की तकरीर मेरे नज़दीक बहुत पुरमग़ज़ और मुनासिब थी। उनकी ज़िंदगी बख्श अल्फाज, जो कि बुनियादी अखलाकियात तक महदूद नहीं थे, मुझ पर गहरा असर छोड़ गए, या सिर्फ बुनियादी अखलाकियात पर महदूद नहीं थे, मुझ पर गहरा असर छोड़ गए, क्योंकि उन्होंने ठोस तरीक पर तलबा के मुकामी आबादी के साथ सलूक का जिक्र किया। जामिया अहमदिया के इफ्ताह को भी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी कवरेज मिली है, 10 से ज़ायद खबरें आ चुकी हैं जिनमें सूबाई टीवी, रेडियो वगैरह शामिल हैं। जामिया की तस्वीर भी आई है। अखबारात ने लिखा कि मिर्ज़ा मसरूर ने अहमद ने तलबा से ख़िताब किया, उन्होंने बार बार ये कहा कि इस्लाम की खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश किया जाए, इस्लाम की खूबसूरती को दुनिया के सामने पेश किया जाए। उन्होंने इन नौजवानों को नसीहत की कि वो अपने आप को परखें, तालीमात को अपने ऊपर लागू करें और बनी नौ इंसान से खुश अखलाकी से पेश आएँ। अहमदिया जमात की अहम शरायत ये है, अहम शर्त यह है कि मुआशरे में हम आहंगी और अमन फैलाया जाए। एक अखबार ने लिखा कि इस्लामी जमात अहमदिया मुस्तकबिल में रेड स्टेट में इमाम तैयार करेगी, और फिर सारा नक्शा खींचा कि क्या क्या कुछ वहाँ मौजूद है। इनके सरबराह मिर्ज़ा मसरूर अहमद ने मुस्तकबिल के इमामों को मुखातिब करते हुए तवज्जो दिलाई कि रेड स्टेट और हेसन में लोगों में इस्लाम का खौफ ख़त्म करना है, इस्लाम दूसरे मजहब और मुआशरों के ख़िलाफ़ जंग नहीं कर रहा, इस तरह मुख्तलिफ अखबारों के तबसरे थे। अल्लाह ताला इन सब बात के जो प्रोग्राम हुए दूरदराज नतीजे पैदा फरमाए और हमारा हर कदम तरक्की पर कदम हो, हमें शुक्रगुजारी और तकवा में बढ़ाता चला जाए। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुम्हारा असल शुक्र तकवा और तहारत ही है। मुसलमान पूछने पर अल्हम्दुलिल्लाह कह देना सच्चा सिपास और शुक्र नहीं है। अगर तुमने हकीकी सिपास गुजारी यानी तकवा और तहारत की राहें इख्तियार कर लीं तो मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ कि तुम सरहद पर खड़े हो, कोई तुम पर गालिब नहीं आ सकता। फिर फरमाया असल बात यह है कि तकवा का रोब दूसरों पर भी पड़ता है और खुदा ताला मुत्तकियों को ज़ाया नहीं करता। फरमाया ज़रूरी है कि इंसान तकवा को हाथ से न दे और तकवा की राहों पर मजबूती से कदम मारे, क्योंकि मुत्तकी का असर ज़रूर पड़ता है और उसका रोब मुखालफों के दिल में भी पैदा हो जाता है। अल्लाह ताला हमें हमेशा तकवा पर चलते हुए अपने फ़ज़लों से नवाजता रहे। अल्हम्दुलिल्लाह।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.